नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सूजी का स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। तो सूजी का चटपटा स्नैक्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं सूजी 1 कप, पनीर घिसकर लिए हैं आधा कप, आलू 3 मीडियम साइज के लिए हैं, इसे घिसकर डालेंगे, 2 चम्मच चावल का आटा लिए हैं, इसके जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम लेंगे, रेड चिली कॉर्नफ्लेक्स 1/2 छोटी चम्मच, या बारीक काट कर हरी मिर्च को भी ले सकते हैं 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार लेंगे, गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, ऑर्गेनो 1/2 छोटी चम्मच, इसके बिना भी बनाए जा सकते हैं लेकिन इसे डालने से और टेस्ट अच्छा आता है, धनिया थोड़ा सा काट के लिए हैं और तेल लिए हैं 3 बड़े चम्मच और पानी 1 कप सूजी है तो 1.25 कप पानी डालेंगे इसमें। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पर एक पैन रखकर इसमें 1.25 कप पानी डालेंगे। और इसे उबलने देंगे, तब तक हम ये आलू घिस लेते हैं। तो देखिए पानी उबल चुका है, तो इसमें हम डालेंगे सूजी। तो सूजी एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और चलाते जाएंगे, नहीं तो लम्स पड़ने की संभावना होती है। अब इसे अच्छी तरह चलाते हुए जब तक पकाएंगे तब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए, और इसी वक्त हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं और चलाएंगे, इसे चलाते हुए इसे मिलाएंगे, देखिए इस तरह से। तो अब ये डो के फॉर्म में आ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले जो हमने रखे हैं। तो पनीर डाल देते हैं पहले और मिला लेते हैं इसे 1-2 बार। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे, आलू डालते हैं, चिली कॉर्नफ्लेक्स, गरम मसाला, धनिया पाउडर या ऑर्गेनो है, हरा धनिया मिला लेंगे अच्छी तरह से इसे। और अब गैस को करते हैं बंद और इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं इसे ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम अपने हाथों से इसे मिलाएंगे। तो देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, तो अपने हथेलियों पर इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाकर और इसे एक बार गूंथ लेते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना इसी तरह से इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें डालते हैं नमक और चावल का आटा, इसी समय डालकर मिलाएंगे और मिलाते हैं इसे जब तक गूंथेंगे, जब तक ये चिकना ना हो जाए, सारे चावल का आटा नमक मिल जाए अच्छी तरह से, तब ये रेडी हो जाएगा। देखिए ये मिश्रण तैयार हो चुका है स्नैक्स बनाने के लिए, तो चलिए बनाते हैं। तो इसे एक प्लेट में तेल डालकर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसे रखकर एक सर करके और काट लेंगे इसे। एक पैचुला के सहायता से अथवा अपने हाथों से भी कर सकते हैं एक सर, जैसे आपको सुविधा हो कर लीजिए और अपने मनपसंद शेप में काट लेंगे इसे। तो देखिए मैंने 2 शेप में काटे हैं, शेप जैसा भी हो टेस्ट में फर्क पड़ने वाले तो है नहीं, तो आपको जो पसंद हो शेप उस शेप में काट लीजिए। और सूजी मिश्रण को हम बहुत अच्छी तरह से पकाए थे, इसीलिए हमें इसे सेट होने के लिए नहीं छोड़ना पड़ा और पीस भी बहुत अच्छी तरह से कट रहे हैं। देखिए इन सारे कतलियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिए कितना अच्छी कतली बनी है। तो एक कतली अब
तलने के लिए तैयार है। वैसे आप चाहें तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर डीप फ्रीज में एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, तो आप चाहें जैसे कर लें। फिलहाल अभी चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके एक पैन रख लिए हैं गैस पर, और इसमें तेल डाल देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। आप चाहे तो कतलियों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें अब डालते हैं एक एक करके कतली। सावधानी से डालें ताकि हाथ जले ना। और कतलियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे ताकि क्रिस्पी बने कतली। तो एक तरफ से सिकने देते हैं इसे, फिर इसे पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी सिकने देंगे। तो देखिए एक तरफ से सिक चुकी है एक कतली, तो इसे पलट लेते हैं। अब इसे दूसरे तरफ से भी सिकने देते हैं इसी तरह से। तो देखिए अब ये सिक चुके हैं दूसरे तरफ से भी, तो अब सारे निकाल लेते हैं। वाओ देखिए कितना अच्छी कतली सिकी है, किसी को भी देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए वाओ, तो सारे निकाल लेते हैं और इसी तरह से और बची हुई तल लेते हैं। तो अब ये सारे कतलियां तल के तैयार हो चुके हैं, तो अब इसे निकाल कर सर्व करते हैं। तो लीजिए इजी टेस्टी चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार है। इसे आप कोई पार्टी में एज अ स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। सभी खाते ही रह जाएंगे और आपका तारीफ भी बहुत करेंगे। तो आप ज़रूर बना के सर्व कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।